आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। गोरखनाथ में ऑक्सीजन फर्म पर जिला प्रशासन ने मारा छापा। 25 से 40 हजार में ऑक्सीजन सिलेंडर की जा रही थी कालाबाजारी। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा बगैर लाइसेंस चल रही थी फर्म। 100 सिलेंडर बरामद। रेमडेसिविर इंजेक्शन ब्लैक में बेच रहे 2 नर्सिंग होम कर्मी को ड्रग इंस्पेक्टर ने किया रंगे हाथ गिरफ्तार। 18 हजार में तय किया था सौदा। खोराबार के ग्राम सभा रामपुर के उपचुनाव में प्रधान पद पर निर्वाचित हुए लाल बच्चन निषाद। कहा गांव का करूंगा चौमुखी विकास। जनपद में मंगलवार को जिले में 25 केंद्रों पर 18 साल तथा 5 केंद्रों पर 45 साल से ऊपर के नागरिकों का किया गया कोविड का टीकाकरण। नागरिकों ने कहा नहीं हुई कोई दिक्कत, देश हित में जरूर कराएं वैक्सीनेशन। गोरखपुर में मंगलवार को मिले 900 नए कोरोना संक्रमित मरीज। जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या हुई 40,976। अब तक 532 कोरोना संक्रमित मरीज गवा चुके हैं अपनी जान। 7,966 हो गए एक्टिव मरीज। सीएमओ डॉक्टर सुधाकर पांडे ने की पुष्टि। रेलवे से लेकर रोडवेज बसों पर लॉकडाउन का असर। अंतरराज्यीय बसों का संचालन बंद। दिल्ली के यात्रियों के लिए कौशाम्बी तक चल रही है बसें। और शासन के निर्देश पर लगाए गए कोरोना आंशिक कर्फ्यू मंगलवार को भी रहा लागू। एसपी सिटी ने फोर्स के साथ किया पैदल गश्त। कहा घरों में रहें, करें कर्फ्यू का पालन, नहीं तो होगी विधिक कार्रवाई।